और आज सावन का आखिरी और आठवां सोमवार है। इस बार सोम प्रदोष का सहयोग भी बना हुआ है। उज्जैन स्थित महाकाल भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा है। तड़के 2:30 पर मंदिर के पट खोले गए और सबसे पहले भगवान महाकाल को भस्म अर्पित कर पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया और भगवान महाकाल को भांग चंदन अबीर के साथ मस्तक पर त्रिपुंड और आभूषण अर्पित किए गए। दिव्य श्रृंगार कर भस्म आरती की गई। भस्म आरती के लिए रात 12 से भक्त कतार में लगना शुरू हो गए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एमपी के उज्जैन की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज सावन का आखिरी सोमवार है और इसे लेकर आपको बता दें कि तड़के 2:30 ही महाकाल के पट खोल दिए गए थे और उन्हें सबसे पहले भस्म आरती भस्म उन्हें रमाई गई और उसके बाद उनका श्रृंगार किया गया। और रात 12 से ही आपको बता दें कि भक्तों की भीड़, लंबी लंबी कतारें भक्तों की लगना शुरू हो गई। तस्वीरें सीधे आप देख सकते हैं, एमपी के उज्जैन से महाकाल के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त उज्जैन पहुंचे हैं और रात 12 से ही आपको बता दें कि उनको भक्तों की लंबी कतार लगी रही, भस्म आरती की गई और उसके बाद दूध दही से उन्हें स्नान किया गया, उन पर जलाभिषेक किया गया। ये तस्वीरें उज्जैन से आप देख रहे हैं, जहाँ पर महाकाल जो है, महाकालेश्वर इस वक्त, या कहीं उज्जैन नगरी इस वक्त महाकाल की गूंज से गुंजमान हो रही है। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल का आज श्रावण मास का आखिरी सोमवार है। दूर दूर से श्रद्धालुगण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बाबा महाकाल का पंचामृत पूजन अभिषेक करा गया है, भस्मारती करी गई है, जिसका लाभ प्राप्त करके भक्तगण बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं। मेरी महाकाल भगवान से यही प्रार्थना है कि महाकाल भगवान की असीम कृपा हमारे पूरे भारत पर, विश्व पर सदैव बनी रहे। हमारा सौभाग्य है कि श्रावण माह के आखिरी सोमवार पर आज हमें यहाँ पर भस्मारती देखने का मौका मिला है। सदैव महाकाल भगवान की कृपा और आशीर्वाद हम सब पर बनी रहे।